तो मुझे पता है कि आप लोग अकाउंट जो वो बैन हो चुका है, जब भी गेम ओपन करो तो आपको ये देखने को मिलना है जिसका नाम है द नॉर्मल एक्टिविटीज विद देयर अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड। आखिर ऐसा क्यों आता है? ऐसा इसलिए आता है क्योंकि आप लोग कभी कहता है ग्लिच यूज कर लेते हो या स्किन टूल यूज कर लेते हो या किसी हैकर के साथ कर लेते हो या खुद हैक यूज करते हो और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अपनी आईडी को लॉग इन कर देते हो, इस कारण जो आपका अकाउंट बैन हो जाता है। आखिर इसका अनबैन करने का तरीका कैसे आप लोग अनबैन कर सकते हो? आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे इससे रिलेटेड। आपको बोलेगा गैना के हेल्प सेंटर में जाओ, वहाँ पर फॉर्म भरो, आपकी आईडी अनबैन जाएंगी। ये फॉर्म भरो, वो एप्लीकेशन में लॉग इन करो, अपने आईडी में मतलब अपने ओबीबी फाइल में ये फाइल डालो, आप यहाँ पे वो करो, बहुत सारे आपको प्रोसेस मिल जाएंगे। लेकिन आपका जो आईडी वो अनबैन नहीं होता है, लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कि आपका आईडी जो 100% अनबैन हो जाएगा, चाहे आपका अकाउंट किस भी सर्वर हो, चाहे आपका नेपाल में हो, इंडिया में हो, बांग्लादेश में हो, इंडोनेशिया में हो, कोई भी सर्वर में हो आपका अकाउंट, लेकिन आपका अकाउंट जो 100% रिकवर हो जाएगा, 100% आईडी अनबैन हो जाएगी। और गाइज, आपकी आईडी चाहे कितने महीने पहले बैन हुआ हो, आज बैन हुआ हो, कितने साल, एक साल, दो साल, तीन साल, या कभी भी बैन हुआ हो आपकी आईडी, वो 100% आपकी आईडी अनबैन। मैं भी बताऊंगा कैसे आप लोग अनबैन कर सकते हो अपने आईडी को, लाइव प्रूफ के साथ बताऊंगा। और वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। अगर स्किप करते हो तो कुछ समझ में नहीं आएगा। कोई भी सोच रहा है कि स्किप करके देखेंगे इस वीडियो को तो समझ में आ जाएगा, तो अभी वीडियो छोड़ के चले जाओ, कुछ समझ में नहीं आने वाला कि वीडियो में मैंने क्या किया है, आप लोग कैसे करोगे कि आपका आईडी अनबैन हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पे एक लाइक कर देना। तो प्रोसेस की ओर चलते हैं। प्रोसेस जैसे करूंगा सेम टू सेम वैसे ही प्रोसेस करना है। तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में लिंक दिख रहा होगा, सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करोगे तो आप ग्रेना के एक ट्वीट वाले सेंटर पे चले जाओगे जहाँ इसको फॉर्म भरना पड़ेगा। ग्रेना की तरफ से ये फॉर्म आया हुआ है, कुछ दिन के लिए फॉर्म चलेगा, उसके बाद आपको फॉर्म आपको भर लेना है जिसका नाम है आईडी अनबैन फॉर्म और एंड योर आईडी अनबैन हो जाएगी आपको। तो सिंपल इसको क्या करना है, आपको स्टार्ट पर क्लिक करके कंटिन्यू टू फॉर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ देख सकते हो आपको यहाँ पे अपने पूरा गेम की डिटेल डालना, जो कि गेम आईडी, गेम नेम, गेम सर्वर, किस कारण से बैन हुआ था, सारा डिटेल आपको यहाँ भरना है। तो यहाँ मैं अपना डिटेल भर देता हूँ, जो कि मेरा अकाउंट जो सस्पेंड हुआ था, सिंपली वो अकाउंट में पे अपना पूरा भर देता हूं। तो मैंने यहाँ गेम आईडी भी डाल दिया। आपको यहाँ पे अपना गेम नेम डालना, जो आपका गेम का नाम है, सिंपली वही नाम आपको यहाँ डाल देना है। तो यहाँ मेरा जो गेम में नाम था पहले, अभी भी जो है गेम में नाम, वही नाम आपको यहाँ डाल देना है। तो सिंपली यहाँ पे मैं अपना गेम नाम डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे गेम सर्वर है, किस सर्वर में आपका गेम है, तो किस सर्वर में आपका आईडी लॉगिन है, तो सर्वर का आपको सेलेक्ट करना है। तो मेरा पाकिस्तान नहीं, इंडिया सर्वर है, सिंपली मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद किस कारण मेरा रीजन बैन हुआ था, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ग्लिच फाइल यूज किया था, तो सिंपली मेरा इस कारण इसमें आईडी बैन हो गया था। ग्लिच फाइल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको नीचे आना, फिर यहाँ पे आपको सस्पेंडेड मंथ्स होगा कि किस मंथ में आपका सस्पेंड हुआ था। तो ये मेरा अप्रैल में सस्पेंड हुआ था, सिंपली अप्रैल को यहाँ पे टिक कर लेना है। उसके बाद आपको फिर से नीचे आना है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल डालना। तो मैं अपना यहाँ पे ईमेल डाल देता हूँ, जो कि यहाँ मेरा ईमेल है, सिंपली आपको वही ईमेल डालना जो आपके पास लॉगिन हो, वही ईमेल आपको यहाँ डाल देना है। वो ईमेल डालने के बाद आपको यहाँ पे अपने आईडी का स्क्रीनशॉट डालना है। तो आपके पास आईडी की स्क्रीनशॉट है तो डाल देना, वरना नहीं तो कोई बात नहीं, मेरे पास नहीं है अभी। तो सिंपली आपको यहाँ पे फिर से यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। सिंपली आपको सही सही अपने डिटेल को फॉर्म में डाल देना, और ये करने के बाद आपको ज़्यादा देर नहीं रुकना, बस 24 आवर्स रुकना है। उसके बाद आपका मेल पे आपको मेल आ जाएगी कि आपकी आईडी रिकवर होगी, मतलब आईडी अनबैन होगी कि नहीं होगी, पूरा वहाँ पे बता देगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो पे लाइक हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में बताना। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय।